अगेन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो शाइनर आप यूज़ कर रहे हैं वो ऑयल बेस्ड ना हो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज की वीडियो में हम अपनी गाड़ी का जो इंजन है इसको धोएंगे, इसको साफ करेंगे या डिटेल करेंगे। जब आप देखते हैं कि आपने तो गाड़ी बाहर से धो ली, उसको बड़ा साफ़ कर दिया और बाहर से आपने पॉलिश भी कर दिया, लेकिन जब आप हुड उठाते हैं या आप बोनट उठाते हैं तो आपकी गाड़ी का इंजन अभी भी वैसा ही गंदा है और उस पर मिट्टी वगैरह जो है वो पड़ी हुई है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिटेल में हम अपनी गाड़ी का इंजन जो है इसको साफ़ भी करेंगे, जो प्रिकॉशंस हैं उनका ख्याल रखते हुए हम इसको प्रॉपरली डिटेल करेंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको भी बिफ़ोर और आफ्टर का पता लग जाए कि पहले इंजन कैसा था और डिटेल करने के बाद अब इंजन कैसा लग रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जी तो व्यूअर, सबसे पहले तो आते हैं कि आपको इंजन को डिटेल करने के लिए क्या क्या चीज़ें दरकार होंगी। तो एक आपको चाहिए होगा इंजन डिग्रीज़र। अगर आपकी गाड़ी के इंजन पे ऑयल भी लीक होता है या कहीं पे ऑयल लगा हुआ है या कहीं पे आपने डीजल वगैरह इंजन पे यूज़ करवाया था तो उसको रिमूव करने के लिए आपको चाहिए होगा इंजन डिग्रीज़र। किसी भी अच्छी कंपनी का आप इंजन डिग्रीज़र जो है वो ले सकते हैं। और इसके साथ साथ चाहिए होगा आपको किसी भी अच्छी कंपनी का क्लीनर, जो ऑल पर्पज़ क्लीनर होता है। और आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप एक ऐसा क्लीनर यूज़ करें जो कि आपके रबर जो पार्ट्स होते हैं, रबर पार्ट्स के लिए या पाइप्स के लिए या होजेज़ के लिए जो है वो नुकसानदेह ना हो और उनको नुकसान ना पहुँचाए। तो आपने ऐसा एक क्लीनर जो है वो यूज़ करना है। और उसके साथ साथ फिर सबसे आखिर पे फिर इन होजेज़ को या इन रबर्स को शाइन देने के लिए आपने कोई शाइन और प्रोटेक्टर जो है वो यूज़ कर लेना है। और आपने इसमें भी इस बात का ख्याल रखना है कि ऐसा आपने शाइनर यूज़ करना है जो कि ऑयल बेस्ड ना हो, क्योंकि ऑयल बेस्ड शाइनर जब आप कहीं पे यूज़ करेंगे इंजन में और फिर कुछ अर्सा बाद जो है आप उसको देखेंगे तो वो शाइनर जो होता है ऑयल बेस्ड वो गर्द खींच रहा होता है और वो पहले से ज़्यादा गंदा जो है वो लग रहा होता है। तो इस वजह से आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि ऑयल बेस्ड शाइनर ना हो, बिल्कुल स्मूथ सा ऐसा शाइनर हो जो कि आप जब सरफेस पे लगाएं तो वो ऑयल रेजिड्यू जो है वो पीछे ना छोड़ें। और इसके साथ साथ फिर कुछ ब्रशेज़ आपको चाहिए होंगे सफाई के लिए, इस तरह के आप ब्रशेज़ जो हैं वो ले सकते हैं। तो सफाई के लिए आपको कुछ ब्रशेज़ चाहिए होंगे। और देन आपके पास कोई भी कपड़ा या कोई शीट होनी चाहिए जिससे आप इंजन को कवर कर सकें ज़रूरत के वक्त। अच्छा, तो व्यूअर्स अब इंजन को डिटेल करने के पांच तकरीबन स्टेप्स हैं और ये पांच स्टेप्स हम चलते चलते वीडियो में साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहला जो स्टेप आता है वो है प्रिपरेशंस का। आपने इंजन को धोने से पहले या इसको डिटेल करने से पहले आपने इसको धोने के लिए प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर कैसे करेंगे कि जहाँ जहाँ पर आपके इंजन में सेंसिटिव पार्ट्स हैं या सेंसिटिव प्लग्स लगे हुए हैं या क्लिप्स लगे हुए हैं और आपको खदशा है कि उसमें कहीं पानी ना चला जाए तो आपने उन क्लिप्स को, उन पार्ट्स को या उन प्लग्स को जो है आपने कवर कर लेना है शॉपर से या कोई भी प्लास्टिक वगैरह से। आप उसको अच्छी तरीके से कवर कर लें और बैटरी को आपने लाजमी अनप्लग करना है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर आप जो है वो पानी डालते हैं इंजन पे, प्रेशर वॉशर नहीं यूज़ करना और ना ही आपने प्रेशर से इंजन पे पानी डालना है। हल्का सा आप किसी भी जो टैप वाटर होता है वो हल्का सा इस्तेमाल करेंगे, हल्की थ्रो जिसकी होती है, ताकि वो अंदर ना जाने पाए प्लग्स में या जो क्लिप्स वगैरह होते हैं। तो आपने बैटरी इसलिए रिमूव करनी है कि खुदा न खास्ता आप पानी डाल रहे हैं, पानी किसी प्लग में चला जाता है तो आपकी गाड़ी के जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो शॉर्ट ना हो या इस तरह का कोई अंदेशा ना रहे। और चलिए बैटरी रिमूव करते हैं साथ। Thank you.
बैटरी रिमूव करने के बाद आप देख सकते हैं कि बैटरी वाली जो जगह है उसमें नीचे कितनी मिट्टी आपको नज़र आ रही है। तो ये बेहतर ही होता है कि आप बैटरी रिमूव कर दें, क्योंकि एक तो ये जगह ओपन हो जाती है, इसमें अगर आप ब्रश वगैरह यूज़ करना चाह रहे हैं तो इजीली फिर आप यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा ये कि जो मेन पर्पस है इसका कि खुदा न खास्ता अगर कहीं पे पानी चला जाता है प्लग वगैरह में तो शॉर्ट सर्किट ना हो। और व्यूअर्स, बैटरी को हटाने के बाद जो पहला स्टेप आता है गाड़ी के इंजन को डिटेल करने का, वो है ड्राई क्लीन। ड्राई क्लीन में क्या करेंगे आप कि अगर आपके पास कोई वैक्यूम क्लीनर है या जो आप कह सकते हैं कि वो लीफ ब्लोअर होता है वो है, तो उससे आप ये करेंगे कि जहाँ जहाँ पे एक्स्ट्रा मिट्टी वगैरह पड़ी हुई है, जिस तरह ये जगह है यहाँ पे एक्स्ट्रा मिट्टी है, या अगर इस जगह पे आप देखें आपको कोई एक्स्ट्रा मिट्टी वगैरह नज़र आ रही है, तो वो आपने पहले इसको जो है ना ब्रश से आपने इसको हल्का हल्का कुरेदना है इस तरह, ठीक है, और फिर इसको कहेंगे हम ड्राई क्लीनिंग, ठीक है। इसको कुरेद के फिर आपने जो वैक्यूम क्लीनर है या जो ब्लोअर है उसकी मदद से आपने इसको ब्लो करना है और इसको साफ़ कर देना है, ताकि जो भी एक्स्ट्रा मिट्टी इसके ऊपर पड़ी हुई है वो साफ हो जाए। जो ड्राई क्लीनिंग है डेफिनेटली वो भी अफेक्ट करता है। अभी आप देखें इसको, अभी हमने इसको सिर्फ ड्राई क्लीन किया है, कोई इस पर हमने पानी वगैरह नहीं मारना, और इस टाइम आपने पानी वगैरह मारना भी नहीं है ताकि जो एक्स्ट्रा मिट्टी वगैरह है वो कीचड़ ना बने या वो जो है पानी में जज्ब होके मज़ीद सख्त ना हो जाए। तो दूसरा स्टेप हमारा ड्राई क्लीन का हो गया। जी तो व्यूअर्स, अब प्रॉपर हमारी गाड़ी की इंजन की क्लीनिंग स्टार्ट होगी पानी वगैरह के साथ। लेकिन पानी को इस्तेमाल करने से पहले आपने गाड़ी का जो इंजन का मेन ब्लॉक है इसको कवर कर लेना है, ठीक है। किसी भी आप प्लास्टिक वगैरह से कवर कर लें, शॉपर से कवर कर लें या शीट से कवर कर लें कि पानी जो है वो अभी इंजन के मेन ब्लॉक पे ना पड़े। तो इसको आप अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे, और इसको अच्छे तरीके से कवर करने की वजह क्या है कि इस पे सबसे पहले अभी आप गाड़ी का जो हुड है वो धोएंगे। तो अभी मेरी गाड़ी का हुड तो बिल्कुल साफ़ है और इसको धोने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल क्लीन है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी का जो हुड है वो भी गंदा हुआ हुआ है और उसको भी आपने धोना है, तो पहले आप इंजन का जो ब्लॉक है इसको शीट के साथ कवर कर लें ताकि ये गीला ना हो अभी। और इस बात का भी ख्याल रखना है कि जब आप इंजन को धो रहे हैं तो उस टाइम आपकी गाड़ी का इंजन जो है वो बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, गर्म इंजन ना हो। और उसके बाद आपने इसको कवर करके मेन ब्लॉक को पहले हुड को धोना है, इसको अच्छे तरीके से धोने के बाद, साफ़ करने के बाद और सुखाने के बाद फिर आप आएंगे इंजन की तरफ। और जो मेन इंजन ब्लॉक है इसको भी आपने कवर ही रखना है, क्योंकि पहले ये जो साइड्स हमें नज़र आ रही हैं, ये साइड वो साइड, पहले हम इन साइड्स को क्लीन करेंगे, इसके ऊपर पानी डालेंगे, फिर इसके ऊपर स्प्रेज वगैरह करके इनको क्लीन करेंगे और फिर उस साइड को, और उसके बाद दोनों साइड्स क्लीन होने के बाद फिर हम एट द एंड इंजन ब्लॉक की तरफ आएंगे। तो जब तक हम इंजन ब्लॉक की तरफ नहीं आते तब तक आपने इंजन ब्लॉक को कवर रखना है। तो व्यूअर्स, अगर आपकी गाड़ी का जो इंजन है, तो अगर तो आपने डीजल लगवाया है या आपकी गाड़ी के इंजन पे आपको ऑयल्स बहुत नज़र आ रहे हैं, तो उसके लिए पहले आप इंजन डिग्रीज़र यूज़ करेंगे और इंजन डिग्रीज़र को आपने इसके ऊपर स्प्रे करना है। और इंजन डिग्रीज़र को स्प्रे करने के बाद आपके पास जो भी ब्रश है उससे आप इसको साफ करेंगे। इसके ऊपर मैंने ये जो कवर है इसके ऊपर मैंने इसलिए स्प्रे नहीं किया क्योंकि यहाँ पे इसके नीचे कंप्यूटर यूनिट है, तो इसको हम सिर्फ साफ़ करेंगे, बाकी इसको स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपने मुहतात रहना है, जो जो आप कह सकते हैं कि सेंसिटिव एरियाज़ हैं उनको आप कोशिश करें कि गीला ना करें। और आपके पास जो जो जगह हैं जहाँ पे आपका ये बड़ा ब्रश नहीं पहुँचता, तो उसके लिए आप कोई भी टूथब्रश जो है वो यूज़ कर सकते हैं।
तो इंजन डिग्रीज़र को यूज़ करने के बाद आपने इसके ऊपर जो है वो पानी डालना है, जितना मैंने आपको पहले बताया कि इंजन पे आप कभी भी प्रेशर वाशर जो है वो यूज़ नहीं करेंगे। तो जहाँ जहाँ पे आपने इंजन डिग्रीज़र यूज़ किया वहाँ वहाँ पे आप पानी डाल देंगे। और इंजन डिग्रीज़र यूज़ हो गया, उसके बाद हमने इस पर पानी डाल दिया। अब बारी आती है क्लीनर की, कोई भी अच्छा क्लीनर आपने यूज़ करना है, लेकिन क्लीनर का जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि आपने मेक श्योर करना है कि ये ऐसा क्लीनर हो जो कि आपके रबर पार्ट्स को बिल्कुल जो है वो अफेक्ट ना करे। तो जहाँ जहाँ पे आपको मिट्टी वगैरह नज़र आ रही है आपने हर जगह क्लीनर को स्प्रे करना है। और ये क्लीनर सेफ़ टू यूज़ है, ये किसी भी सर्विस पे आप यूज़ कर सकते हैं। और अगेन क्लीनर को यूज़ करने के बाद आपने ब्रश यूज़ करना है। तो अगेन व्यूअर्स, क्लीनर को अच्छी तरीके से ब्रश करने के बाद उसके बाद आपने अगेन इस पर पानी डालना है। और आप देख सकते हैं कि ये पाइप में इतने स्पीड से पानी आ रहा है, बिल्कुल हल्की स्पीड है ये आप देखें। लेकिन इसको सिर्फ कोनों में पहुंचाने के लिए हम इसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करेंगे ताकि ये पानी जहाँ पे हाथ नहीं पहुँच रहा वहाँ पे पहुँच जाए। बिलखसूस जो शॉक वाली जगह है इसकी, यहाँ तक पानी नहीं पहुँच रहा, तो यहाँ तक पहुँचाने के लिए थोड़ा सा हम इस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे। बाकी आप देख सकते हैं कि इसका जो प्रेशर है ये बिल्कुल भी नहीं है पानी का, ये आप देख सकते हैं। जी तो व्यूवर्स, हमारी ये साइड कम्प्लीटली साफ़ हो चुकी है, आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। तो इसको अब आपने जो है वो खुश कर लेना है। तो खुश करने के लिए अच्छा सा एक माइक्रो फाइबर टॉवल लेके तो पूरे इस एरिया को आपने खुश कर लेना है। व्यूअर्स, ये है फाइनल रिजल्ट इस साइड का, और आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त लग रहा है माशाल्लाह। क्लियर होने के बाद कंप्लीट इसको हमने डिग्रीज़र, क्लीनर और पानी वगैरह मार के इसको हमने खुश्क भी कर दिया है। साफ़ करने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से खुश्क भी कर चुके हैं। और अगर आपके पास कोई ब्लोवर वगैरह या कोई वैक्यूम क्लीनर है तो उससे ब्लो करके आप इसके में जहाँ जहाँ पे आपको अगर हल्का फुल्का पानी नज़र आ रहा है, ड्रॉप्स नज़र आ रहे हैं, तो उसको आप क्लीन कर सकते हैं। जो कि मेरे पास नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैं उसको अच्छी तरीके से खुश कर चुका हूँ, ड्राई कर चुका हूँ। जी तो व्यूअर्स, अब आते हैं इंजन की इस साइड पे, और इस साइड पे भी आप देख सकते हैं कि इन जगहों पे आपको ये मिट्टी वगैरह जो है वो थोड़ी बहुत नज़र आ रही है। तो अगेन इसको भी पहले थोड़ा सा डिग्रीज करेंगे, और डिग्रीज करने के बाद जो है फिर इस पे हम पानी डाल के अगेन फिर इस पे क्लीनर लगाएंगे, और क्लीनर को भी अगेन साफ़ करने के बाद फिर अगेन पानी डालेंगे और फिर इसको पुश कर देंगे। तो ये साइड स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आप इस बात का भी ख्याल रखें कि ये जो कवर है ब्रेक ऑयल का, कंटेनर का, ये प्रॉपरली टाइट हो, और इसमें जो है वो आपका डिग्रीजर या पानी वगैरह या क्लीनर कुछ भी जाने ना पाए। तो इसका आपने ख्याल रखना है, हो सके तो इसको आप कवर भी कर सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपरली टाइट करके आपने इसको उसके बाद जो है फिर आपने शुरू करना है। और डिग्रीजर से साफ़ करने के बाद अगेन अब पानी की बारी है, और आप अभी भी देख सकते हैं कि कोई प्रेशर नहीं है पानी का। तो हम अगेन इसको साफ़ कर देते हैं ताकि जो डिग्रीजर हमने यूज़ किया था वो भी साफ़ हो जाए।
और उसके बाद जो है फिर हम इस पर अभी क्लीनर स्प्रे करेंगे, और क्लीनर स्प्रे करने के बाद फिर अगेन उसको भी पानी से साफ करेंगे। तो डिग्रीजर को भी हम साफ कर चुके हैं, अब हम क्लीनर यूज़ करते हैं और क्लीनर के साथ साथ फिर अगेन पानी। और ये क्लीनर आपने ख़ास तौर पर उन जगह पे लाजमी यूज़ करना है जहाँ पे मिट्टी वगैरह आपको थोड़ी सी ज़्यादा नज़र आती है। और क्लीनर से भी अच्छी तरीके से साफ हो गया है, और अब इसके बाद पानी की बारी है। जी तो व्यूअर्स, ये साइड भी कम्प्लीटली साफ़ भी हो गई है और खुश्क भी हो गई है, आप देख सकते हैं। तो अगेन अगर इस टाइम आपके पास कोई ब्लोवर है, कोई वैक्यूम क्लीनर है, तो उसका जो एयर थ्रो है उसकी मदद से आप इसको खुश्क कर सकते हैं। तो व्यूअर्स अगर आप अभी इधर देखें तो ये जो इंजन ब्लॉक है ये आपको थोड़ा सा अभी भी ग्रेज सा नज़र आ रहा है, थोड़ा सा गंदा नज़र आ रहा है, जबकि अगर आप इस जगह को देखें तो ब्लैक सा फील हो रहा है आपको, बहुत क्लीन सा फील हो रहा है, और जो जो पार्ट्स हैं वो चमक रहे हैं। तो डिफरेंस आपको वाजे नज़र आ रहा है जो जगह हम साफ़ कर चुके हैं और जो जगह अभी रहती है। तो अभी इंजन ब्लॉक की बारी है, और अभी इंजन ब्लॉक को भी साफ़ कर लेते हैं। और इसके साथ साथ व्यूअर, ये जो एयर इनटेक का बॉक्स है ऑल्टो का, इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। इसमें कोई पेच वगैरह नहीं लगे होते, सिंपल आपने इसको उठा के इस तरह बाहर निकाल लेना होता है। ये आपका जो एयर इनटेक का जो बॉक्स है ये बाहर निकला है, तो हम इसको निकाल लेंगे ताकि हमें ये एरिया जो है ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए और हम थोड़े से एहतियात के साथ इसको साफ़ करें। तो चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं। एहतियात करनी है आपने कि इसके अंदर जो डिग्रीजर है वो जाने ना पाए, क्योंकि ये एयर इनटेक है और साथ में इसके यहाँ पे ये फ़िल्टर बॉक्स है, तो इसका थोड़ा सा आप ख्याल रखेंगे। बाकी एज सच इसमें कोई इतना इशू नहीं है। और इसके साथ साथ जो है ये जो जगह है जहाँ पे आपका ये डिपस्टिक होती है, इसको भी आप कोशिश करें कि प्रॉपरली टाइट हो और कोई लूज़ एंड ना हो, जिसमें से आप कह सकें कि पानी वगैरह या जो डिग्रीज़र है ये अंदर जा सके। तो इसको अब हम कुछ देर के लिए छोड़ देंगे और फिर उसके बाद हम ब्रश से इसको भी क्लीन करेंगे। अगेन बारी आती है क्लीनर की, तो हम क्लीनर थोड़ा सा अप्लाई करते हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा क्लीनर ना अप्लाई करूँ ताकि वो जो पार्ट्स मैं ऑलरेडी साफ़ कर चुका हूँ वहाँ पे वो ना लगे।
तो व्यूअर्स, जो कवर हमने हटाया था, जो बॉक्स था एयर बॉक्स, उसको हमने वापस लगा दिया है। और अब जो बैटरी है इसको भी हमने अच्छी तरीके से साफ़ करके, तो अब बैटरी को भी लगा देते हैं वापस। और लगाते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि नेगेटिव को आपने ब्लैक वाली साइड पर रखना है, और ये जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव को आपने रेड वाली साइड पर रखना है। तो बैटरी की जगह भी कम्प्लीटली खुश्क है, कोई पानी वगैरह नहीं है, और बैटरी को हम वापस लगा देते हैं। अब इसको अगेन टाइट कर देते हैं। बैटरी भी आपकी फुल टाइट होगी, और टर्मिनल्स लगा दिए हैं लेकिन अभी टाइट नहीं किए, ठीक है, तो टर्मिनल को भी टाइट करेंगे। और अब यहाँ पे आपने जो है वो मैंने आपको कहा था जो लास्ट स्टेप है हमारा वो होगा इस पर एक कोटिंग जो है या एक शाइनर यूज़ करने का, जो कि ऑयल बेस्ड ना हो। तो अब वो शाइनर यूज़ करने से पहले आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी गाड़ी का इंजन अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है, और इसको साफ़ करने और इसको आप कपड़ा मारने के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट तक देंगे, 10 से 15 मिनट या 20 मिनट तक आप इसको देंगे टाइम, ताकि अच्छी तरीके से खुश्क हो जाए। और इतनी देर में आप जो इसका बॉक्स वगैरह जो आपने अगर उतारा हुआ है, फ़िल्टर बॉक्स है, वो आप वापस लगा देंगे, बैटरी को वापस फिट कर देंगे, और फिर उसके बाद आप लास्ट स्टेप पर शाइनर जो है वो यूज़ करेंगे। तो इतनी देर में हम जो है इसके टर्मिनल्स भी टाइट कर देते हैं बैटरी के। और टाइट करते वक्त आपने ये ख्याल भी रखना है कि ये वाला टर्मिनल, इसके लिए जो टूल आप यूज़ कर रहे हैं वो इस टर्मिनल के साथ टच ना हो, क्योंकि अगर टच होगा तो ये स्पार्क कर सकती है आपकी बैटरी, ये शॉर्ट हो सकती है। तो बेहतर यही है कि इसके ऊपर कोई कपड़ा वगैरह रख लें ताकि ये बिल्कुल कवर हो जाए, नहीं तो आप टाइट करते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इसके साथ टच ना हो, दोनों टर्मिनल्स जो हैं वो आपस में टच ना हो। तो बैटरी टर्मिनल्स भी अच्छी तरीके से टाइट हो गए हैं, बैटरी भी फुल टाइट है। अब इसको तकरीबन 10-15 मिनट हो गए हैं इंजन को, अब हम इसके ऊपर जो कोटिंग है वो अप्लाई करते हैं। तो जो शाइनर आपने यूज़ करना है उसको आप किसी पैड पे स्प्रे करके, आप ये जो ब्लैक सरफेसेस हैं इस पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और अगेन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो शाइनर आप यूज़ कर रहे हैं वो ऑयल बेस्ड ना हो, क्योंकि ऑयल बेस्ड होगा तो आपका इंजन ग्रीजी हो जाएगा, अगेन ऑयली हो जाएगा, और फिर वो कुछ ही टाइम के बाद जो मिट्टी है उसको कैच करना शुरू कर देगा। और कोशिश करें कि जहाँ पे जो इंजन पार्ट है जो हीट अप होते हैं या जो गर्म होते हैं, उन जगहों पे आप ये यूज़ ना करें। सिर्फ ऐसे पार्ट्स जो कि प्लास्टिक के बने हुए हैं या रबर के बने हुए हैं और जो हीट अप नहीं होते, उन पे आप यूज़ कर सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये है इंजन की फाइनल लुक। जी तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।